पता ना कहाँ गए थे, कहाँ चौराहे पर गए थे कि ऊपरी पराई को और ऐसी गए तो कहीं भी ना तो फिर ऐसा हो रहा है। यही सो जाओ मम्मी के पास, यहाँ भी सो जाओ, मैं अपने कमरे में सोऊंगा अपने बेड पे। सुनो ना The hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause हेलो एवरीवन, तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फुल ऑन मजा मार रहे होंगे। आप सबके दोस्त भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ और फुल ऑन मजे मार रहे हैं। आज भाई हमारी मम्मी हो चुकी है फ्री अपने काम वाम से, बहुत दिन से काम में बिजी थी, तो मम्मी ने मेरे को एक आइडिया दिया। मम्मी बोली कि चल बहुत दिन हो गए, एक अच्छा सा जबरदस्त वाला नीतू के ऊपर एक प्रैंक किया जाए। प्रैंक क्या होगा? प्रैंक ये होगा कि भाई मम्मी मतलब मेरे ऊपर से वो दिखाएगी कि भाई मेरे ऊपर कुछ ऊपरी पराई चीज आ गई है, समझ लो, तो मतलब इससे जिससे कि नीतू डर जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम भाई सबसे पहले तो ये जूता है ना, ये जूते से मम्मी मेरे को मारेगी नहीं, मारेगी नहीं, सिर्फ ऐसे करेगी मेरे ऊपर से ऐसे करके कि भाई ऊपरी पराई चीज है, कुछ आ गया है। तो नीतू अभी गई हुई है मार्केट, नीतू के मार्केट से आने से पहले जैसी वो आएगी हम तभी स्टार्ट कर देंगे, ताकि उसको लगे कुछ चीज तो हो गई है, तो मम्मी मेरे को ये सारी चीजें करके दिखाएगी। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं अपना प्रैंक स्टार्ट और वेट करते हैं थोड़ी देर नीतू का, जैसी नीतू आएगी हम अपना प्रैंक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मम्मी, रेडी हो ना? ठीक है रेडी। A few moments later. पता ना कहाँ गए थे, कहाँ चौराहे पे गए थे कि ऊपरी पराई को आ रही थी। नजर वजर लग गई क्या? क्या हो गया? नजर पे आया की है? मम्मी पूरी बॉडी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, पूरी बॉडी दुख रही है। क्या हो रहा है? अजीब सो हो रहा है यार, अजीब सो हो रहा है। कहाँ गए थे? क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? कहाँ गए थे? दिक्कत हो रही है? गया तो कहीं भी ना, जिम गया था, जिम था सीधा, फिर अपना वहां था, यहाँ था अपना सेक्टर में गया, वहां था अपनी डाइट ली, डाइट लेके यहाँ था सीधा। चौराहे पर के गए थे ना? चौराहे पर थी हुई है। अरे तो उसको मत बताओ यार, वो बेकार में डर जाओगी, उसका अगर मत बताओ यार। डर जाएगी तो उतारूंगी तो सही, सही तो करूंगी। क्या हो गया, क्या ज्यादा दिक्कत हो रही, क्या हो गया? ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको? फर्क कैसे हो जाओ मम्मी, ऐसे मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा शरीर भारी भारी, ऐसा लग रहा शरीर भारी है कती, जैसे चौराहे पे आया पैर पे कोई बैठा हो यहाँ पे, ऐसा मतलब कंधे पे को भारी कंधे इतने हो रहे बहुत ज्यादा। फिर कहीं गए भी तो? गए तो कहीं भी ना तो फिर ऐसा हो रहा है। बकवास कर रहे, कहाँ गए थे? कहीं भी ना गए जब आप, अभी तो बताइए कहाँ। पैर भी तो आए होगा कहीं? अरे कहीं नीचे उतरो तो, या गाड़ी में ही तो? गाड़ी में उतर के डाइट तो लेने गए तो अपनी, और तो कहीं भी ना गए। जहाँ डाइट लेने गए वहाँ चौराहे तो होएगा, चौराहा तो पड़ता ही है मम्मी, जब जहाँ जाएंगे कट तो पड़ते ही है यार। सारे ऊपर के उतर गए या वैसे ही थो, वैसे ही उतर के गए थे? अरे उतर दुनिया करे भी रखे उसका ऊपर के पैर गए हो। कोई नहीं, तो मेरे में थोड़ी सी बहस हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो लूंगा ना, नींद की वजह से भी हो सकता है, थोड़ी देर सो लूंगा तो उस तभी ठीक हो जाऊंगा। तो चल मेरा कमरा मेरे बेड पे सो जा ना, मैं अपने मम्मी अपने बेड पे सोऊंगा मैं अपने में। हाँ क्या है, यही सो जाओ मम्मी के पास, यहाँ भी सो जाओ, मैं अपने कमरे में सोऊंगा अपने बेड पे। यार देखना मम्मी क्या कह रहे हैं, आप हमारी मम्मी के कमरे में सो, मैं नहीं सो रहा, मैं अपने कमरे में सोऊंगा। मम्मी मेरे को वहां नींद आती है, तो क्या हो जाएगा, मैं अपने कमरे में बच्चे बच्चे में डर जाऊंगी यार, ऐसे कैसे आप वहां सो रहे हो? मैं यहीं तो बुला रही हूं उन्हें, तो ऐसे क्या मैं तुझे खा थोड़ी जाऊंगा, बच्चे हैं बच्चे, मैं कोई इंसान ही तो हूं, दाना थोड़ी बच्चे मेरे को देख के डरेंगे। आप नहीं जाओगे, नहीं आप ऐसे नहीं, आप नहीं सोओगे वहां, यार ये आपके साथ सो जाएंगे। ये क्या बात होगी यार, क्या कर दूंगा मैं पागल हो रही है तू, कुछ भी बोले जा रही है यार। कर दिया कोई बात नहीं, नजर उतार दी, डर लग रहा है हमें तो ऐसे जैसे आप कर रहे हो।
मैं तुझे खा थोड़ी जाऊंगा यार, बच्चे डर जाएंगे, बच्चे को कमरे में सुला ले मम्मी के पास, आगे समझ। अरे सुनो सुनो ना, बोल क्या हो गया? क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं कर रहा। क्या दिक्कत हो रही है आपको? कुछ नहीं हो रहा, जब बोल रहा हूँ यार सर भारी हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं। आप एक काम करो, आप ना मम्मी कमरे में जाकर सो जाओ, सच में मुझे डर लग रहा है। मतलब आप पता नहीं कैसी हरकतें कर रहे हो आज। अब मेरा ना हाथ भी भारी हो जाएगा। ठीक है बहुत बोल रही तू, मम्मी कमरे जाकर सो जा, तू सो जा मम्मी कमरे में जाके जा। मैं कैसे सो जाऊं मम्मी कमरे में? बच्चों को ले जाओ और वहां जाके सो जा। मम्मी बच्चे कमरे में सोते हैं, आपको अच्छे से पता है। वो उस कमरे में भी सो जाएंगे, उस कमरे में भी सो जाएंगे। जा ले जा मम्मी को रूम में, बच्चों को सो जाएंगे अपने आप आराम से। वो पर अभी स्कूल जाएगी, उसको ले जाइए वहां पे। वो वहां नहीं सोते, इसलिए तो मैं कह रही हूं यहां सुलाऊंगी उनको। मैं नहीं जा रहा यार, ऐसे चुप हो जा तू, मैं बस बता रहा हूं तेरे को। अब बहुत कर रही है तू, कैसी हरकतें कर रहे हो आप? ये क्या मतलब, क्या हो गया आपको? मेरे को क्या पता क्या हो गया यार। आप एक काम करो, मम्मी कमरे में जाओ प्लीज, मैं बच्चों को लेके यहाँ सो जाऊंगी। मैं नहीं जा रहा, मैंने कह दी बस। अरे तो ठीक है आप नीचे सो जाओ, मैं नीचे बिस्तर लगा दूंगी, ऊपर बेड पे हम सो जाएंगे। तुम सो जाओ नीचे, तुम सो जाओ नीचे। कैसे सो जाओ, तीन तीन दो बच्चे हैं, एक में तीन तीन जने नीचे कैसे सोएंगे इतनी जगह में? आप तो अकेले, आप अकेले सो जाओगे? तीनों वहां सो सकते हो ना वहां जाके, या मेरे को क्यों परेशान कर रही है? नींद नहीं आती ना उनको। अरे चल यार मेरे दिमाग की वो मत कर यार, मेरे को पहले ही सर दर्द हो रहा है मेरे। अरे उठ जाओ ना, क्या कर रहे हो आप ये? मैं बोल रहा हूँ मेरे का सर में दर्द हो रहा है, मत कर मत कर यार ऐसा, मेरे कंधे इतने भारी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बैठा है मेरे कंधे पे यार। कौन बैठा है? मुझे क्या पता कौन बैठा है यार। भाई आप जाओ इस कमरे से प्लीज। मैं नहीं जा रहा यार, मुझे डर लग रहा है आपको ऐसे देख के। तुझे तो पागल हो रही है यार, कि जब डर लग रहा है, डर लग रहा है इंसान ही तो मैं, को जवान शैतान थोड़ी हूं मैं, डर लग रहा है अपने पति से डर लग रहा है तेरे को? हद हो गई यार, इतने साल तू मेरे साथ रह रही है। तो आप नीचे सो जाओ, हम तीनों ऊपर सो जाएंगे, हम तीनों नीचे नहीं आ सकते ना। कोई ना, तू अब कमरा चेंज कर ले, मैं नहीं जा रहा कहीं भी अब। अरे उधर बच्चों को नींद नहीं आती, आपको पता नहीं है क्या? परी को नींद नहीं आती उधर? क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को बता दे। तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा यार, आंखों के सामने ऐसे अंधेरा आ जाता है, फिर पता चलता है मैं खड़ा हूँ, फिर अंधेरा आता है, फिर पता चलता है मैं बैठा हूँ। तो नहीं आ गया मेरे को क्या पता, वो तुझे पता होगा यार। और जाओ चौराहे पे, बहुत मीठा खा खा के बाहर जाते हो, मीठे के पीछे तो पागल हो रखे हो, गूंद के लड्डू गूंद के लड्डू। क्या कर रहे हो आप? मैं मम्मी बुला के ला रही। क्या मम्मी बुला के ला रही हो यार? क्या मम्मी बुला के ला रही हूँ? मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे नहीं, नहीं मैं तो डर डर में मर जाऊंगी रात भर में। कहीं ना मरे तू, मर रही होती तो 6 साल से मर गई होती तो, अब तक कहीं ना मरे तू। तो 6 साल से आपने ऐसी हरकत नहीं की ना? सोच चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वो हिसाब कर रही तू तो मैं तेरे से डरा आज तक कभी? मैं तेरी शक्ल से डरा कभी आज से रात को? तू कितनी बार वो लगा लू के सोती, मैं डरा कभी तेरे से आज तक? डरा मैं कभी? फिर बकवास मत करो, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, जा तू जा। मैं नहीं जा रहा, मैंने बोल दे रहा, मैं बोल रहा हूँ मेरे हाथ में खुजली हो रही, बोलते हाथ भारी हो रहा है मेरे, चली जा बस, बता दी तेरे को यहाँ से। क्या हाथ भारी हो रहा है? मेरा हाथ भारी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ बस तेरे को। यार मम्मी आप नजर नजर उतार सकोगे मेरी? उतार तो दी है, यहाँ बैठो। तो आपने छोरी इतनी डरा दी, वो बंकी बाहर सीधी पापा धो रहे इतना लाइट, तुम क्या कर रहे हो? उसे बताइए मतलब, रुक जाओ मैं बैठ जाऊंगा। छोड़ दो मेरे हाथ, छोड़ दो।
अरे मैंने नहीं डरा रखी, सोई नहीं, मैं यही तो चाहता हूँ कमरे से भगे, मेरे को कितने दिन हो गए अपने कमरे में सोए, इसलिए तो कर रहे हैं। बकवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बकवास करने लग रहे हो, डरा रहा तो नहीं हुई कुछ भी, बाबा ना आ रहा है भाई। मैंने नहीं मम्मी ने कही बकवास मत करो, किसी दिन सच में आ जाएंगे ऐसे बाबा बाबा। बकवास नहीं करता, मम्मी ने कही थी प्रैंक करने की, मेरा कोई रोल नहीं था, मम्मी ने कही थी आज किसी नीतू के ऊपर के प्रैंक करते हैं। कंधों पे बैठा है ये, बैठा सर घुमा के दिखा रहे हो, जब सच में हो गए फिर कहना। अरे मजाक कर रहा था, तोड़ दे मजाक कर रहा था, जब मैं कह रहा मजाक कर रहा था सच में। डर रही है तेरे तो जाके उसको करिया, कभी यहीं कर दे, जाके उसमें करिया, जाके मम्मी कर देगी यहीं पे ही। तो तू डराई तो नहीं थी, बकवास, सच में डर लग रहा था तो डर ना लगे, बकवास। अरे यार डरपोक दो यार, भाई इतनी डर गई है, इतनी डर रही है, बताओ ये तोड़ दिया हमारा, सुसु तो नहीं कर देगी यहीं पे। तो वो तू उसके अंदर घुसे जा रहा है, दीवार में घुस रही है, डर की मारी तो इस दीवार में छेद करके साइड वाले घर में निकल जाना फिर। तो कैसा लगा मम्मी आपको, तो अच्छा ही लगा, आपने तो आइडिया दिया, तेरे को कैसा लगा? बकवास लगा तुझे, बता तूने सोचा था वैसे हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? बस तो फिर यही तो चीज चाहिए थी, यही चीज तो चाहिए थी। कई दिन हो गए ना ऐसे, मम्मी बेचारी बिजी चल रही थी आज, मम्मी मैं इसलिए जिम से जल्दी आ गया था, मम्मी मेरे को कॉल कर रहा था, आज एक वो बताऊंगी बढ़िया सा प्रैंक वो करेंगे तुके ऊपर, कैसा लगा? मैं बाल बाल खिंचा के बैठ दूंगी किसी दिन, तो तेरे से मैं वैसे भी डर जाता हूँ मम्मी, रात को मेकअप कुछ वो लगा के सोती है ना, मैं उससे भी डर जाता हूँ कई बार, तो एक दिन रात को लगा के सोगी, वो क्या होते हो लेप वेप सा क्या लगाती है गाइस, एक दिन ये रात को लगा के सोगी, जो मुंह पे वो लेप वेप सा नहीं लगाते हैं, और यूं बोली सुबह तक है ना ये स्किन वो हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब मेरे को थोड़ी पता था, मैं तो सो गया था, मेरे सोने के बाद लगाई थी इसने, और भाई मैं रात को पानी पीने के लिए उठा, और भाई मैंने इसको देखा, मैंने कि भाई पता नहीं इसमें क्या हो गया मम्मी, सच में मैं सोचा पता ना भाई क्या हो गया, कुछ भी मत बोलो, मुंह धोके सोई थी, मुंह धोके उसके बाद धोया तूने, जब मैं डर गया था उसके बाद मैं तेरे को नहीं, तो क्या लगा रखा है, हाँ तो मैं तो डर गया था ना, तुम तो मेरे साथ बिना बताए करी चीजें ऐसी रात को, वो भी लाइट बंद होने के बाद भूतनी नहीं सोई मैं, जैसे वो उसमें देखता ना आठ वाट, मेरे को लगा भाई इसके मुंह पे जैसे वो एकदम से चेंज हो जाता है ना उनका मुंह, इच्छाधारी नागिन और जैसे उस टाइप में होते हैं, तैयार रहना किसी दिन। अरे मैं डरपोक में से नहीं हूँ, वो तो उस दिन तो चल रात को लाइट बंद हो गई, वरना मैं डरपोक में से नहीं हूँ, ठीक है, तो ऐसे फिर लाइट बंद हो जाएगी कभी, चलो देखी जाएगी, हमारा भी टाइम आएगा। तो गाइस इधर आ जाओ, आज मम्मी के साथ ही एंडिंग करेंगे ना, मम्मी जल्दी आओ, आजा आजा कोई ना, तू भी आजा, अब तो पहले तो टॉयलेट करके मत करिए, डर लग रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा आज वाला प्रैंक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत दिन बाद आप लोगों की डिमांड थी कि भाई माजी को लाओ, आंटी को लाओ, आंटी को लाओ, आज फाइनली आंटी को ले आए, आंटी मेरे को ले आई आज, आंटी ने मेरे को इतना जबरदस्त बताया। तो अगर आप लोगों को भाई पसंद आया तो भाई फैला देना इसको, शेयर दबा के कर देना, क्योंकि तुम्हारे कहने पे आज आंटी जी ने अपना बिजी होने के बाद भी किया। हाँ अब आंटी आगे फ्री रहेगी, अब आंटी आगे मोस्टली प्रोबेबली फ्री रहेगी, अब हमारे सारे काम खत्म, सारे फंक्शंस वगैरह खत्म, अब एक से एक चीज आएंगे आप लोगों के लिए, तो बने रहना, स्टे ट्यून्ड।